AMD का Ryzen 9 जो 5000 सीरीज का 5900 HX प्रोसेसर है, ये हाई एंड प्रोसेसर एक मिनी पीसीज में कैसा यहाँ पर फील आएगा, कितना हाई एंड प्रोसेसर सिर्फ एक पाम साइज में आपको देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, ये पॉसिबल हो चुका है। तो चलिए जानते हैं किसने ये पॉसिबल कर दिया है एंड कैसे ये दिखने में होने वाले। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई डिटेल्स मिस ना हो। Let's go. तो हांगकांग बेस्ड मेंस फोरम एंड इंडिगो गोइंग और मोर फाइन फोकस, तो इन्होंने एक सॉल्यूशन बना दिया पूरा यहाँ पर एक मिनी पीसीज का, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स है, ठीक है। मेन फोरम अलग आता है, फिर आता है इंडिगो गोइंग, फिर आता है मॉर्फिन फोकस। तो ये तीनों डिफरेंट है, तीनों ने मिलके एक मिनी पीसीज बना दिया जो कि एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम आप बोल सकते हो, सिर्फ आपके ये पाम साइज जितना। एंड ये जो मिनी पीसीज होने वाला है ये बेस्ड होने वाला है AMD के Zen 3 आर्किटेक्चर के ऊपर, या AMD का लेटेस्ट प्रोसेसर AMD Ryzen 9 5900 HX। तो एक आपको पता है हाई एंड सीपीयू बन जाता है, तो एक हाई एंड प्रोसेसर्स को इतना बड़े बड़े मदरबोर्ड्स लगते हैं, इतना ग्राफिक कार्ड वगैरह डालना है। फिर से यहाँ पर इंटरनल जीपीयू आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये मिनी सीपीयू है, मिनी सीपीयू में आपको जीपीयू देखने को नहीं मिलता। इंटरनल जीपीयू की नहीं, मैं एक्सटर्नल जीपीयू की बात कर रहा हूँ। इंटरनल जीपीयू तो आपको इनबिल्ट देखने को मिलता है वेगा की ग्राफिक्स, बट AMD का Ryzen 9 ये छोटे से पाम साइज सर्किट्स में कैसे अटैच हो सकता है, तो ये पॉसिबल कर देते हैं मिनी फॉर्म ने, जिनका काफी बड़ा हाथ है यहाँ पर मिनी पीसी से रिलेटेड। तो उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट किया था पीसीबी डिजाइन कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्किट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, काफी छोटा सा आपको सर्किट देखने को मिलता है, मदरबोर्ड बोल सकते हैं आप, जिसके ऊपर आपको पावरफुल हाई एंड प्रोसेसर AMD Ryzen 9 देखने को मिलता है विद इंटरनल वेगा ग्राफिक्स। एंड ये सर्किट में और हाइलाइट्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे आपको इनपुट्स आउटपुट्स देखने को मिलते हैं, यूएसबी कनेक्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ आपको AMD का प्रोसेसर भी इनबिल्ट यहाँ पर अटैच देखने को मिलता है। और मोरफाइन फोकस जो चाइना बेस्ड कंपनी, उन्होंने एक और कैंपेन लॉन्च किया जो कि इंडिगो गोइंग ये नाम से कैंपेन लॉन्च है। एंड इसमें आपको पता चल जाएगा कैसे यहाँ पर एक मिनी सीपीयू मिनी पीसीज देखने को मिलता है। जी हाँ, S500+ ये जो मॉडल नेम आपको देखने को मिलता है एक मिनी पाम साइज सीपीयू का, जो कि हाई एंड परफॉर्मेंस के साथ आता है। एंड इसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, काफी एक कॉम्पैक्ट साइज का मिनी पीसीज आपके हाथ के जितना देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको AMD का Ryzen 9 प्रोसेसर देखने को मिलता है, प्लस आपको इनपुट आउटपुट ढेर सारे देखने को मिलते हैं। तो मिनी पीसी कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है पाम साइज में। तो चलिए अभी इसके इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो प्रोसेसर आपको पता है AMD का Ryzen 9 5900 HX 8 core 16 threads वाला Zen 3 आर्किटेक्चर पे बेस्ड प्रोसेसर है, LPDDR4X जिसे आप 64GB तक एक्सपांड कर सकते हो, 3200 MHz वाली रैम देखने को मिलती है, स्टोरेज की बात करें तो 2.5 ड्राइव भी लगा सकते हो SSD या फिर HDD, एंड M.2 का एक्सपेंशन देखने मिलता है 2, मतलब आप एक M.2 भी लगा सकते हो, उसके साइड में आपको और एक M.2 का एक्सपेंशन देखने को मिलता है। इंटरनल जीपीयूज है, तो यहाँ पर आपको कोई एक्सटर्नल जीपीयूज का पोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला। मिनी पीसी ब्लूटूथ वर्जन 5.0 एंड वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है, तो ये कंप्लीट ऑनबोर्ड सर्किट का स्पेसिफिकेशन बन जाता है। तो अभी बात करते हैं इनपुट आउटपुट यूएसबी कनेक्शन क्या कुछ देखने को मिलता है, कौन से देखने को मिलते हैं। तो 2 यूएसबी 3.2 टाइप ए देखने को मिलता है, 4 यूएसबी 2.0, 1 यूएसबी 3.2 टाइप सी जो कि डिस्प्ले पोर्ट की तरह भी काम कर सकता है अगर आप चाहे तो, लेकिन आपको सेपरेट डिस्प्ले पोर्ट भी देखने को मिलता है, HDMI पोर्ट भी देखने को मिलता है, मिनी पीसी को रन करने के लिए DC इन का पोर्ट भी है, 2 RJ45 के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। एक तो है RJ45 जो कि 2.5 GB/s का स्पीड देता है, एंड दूसरा जो है वो LAN 1 GB/s का स्पीड देने वाला है। एंड USB टाइप सी से आप डिस्प्ले पोर्ट का जो एक्सपेंशन कर सकते हो, जो आउटपुट दे सकता है वो 4K at 60Hz इतना मिलने वाला है। एंड ये पूरा इंटरनल माल एक छोटे से एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय क्वाड्रेंगुलर केस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। स्मॉल साइज का पाम साइज का आपको हैवी परफॉर्मेंस एक पीसी देखने को मिलता है, मिनी पीसी इतना हैवी मटेरियल यूज्ड है, तो फिर इसको कूलिंग करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो यहाँ पर कूलिंग के लिए भी एक छोटा सा सिंगल प्योर कॉपर म्यूट कूलिंग वाला फैन आपको प्रोवाइड कर दिया, जो कि एग्जॉस्ट कर देगा फैंस को, एंड इंटरनल स्पेसिफिकेशन जो है आपके उसको ठंडा रख सके। एंड ये मॉर्फिन S500+ जो है वो यहाँ पर जल्द ही आने वाला है, कमिंग सून पे है। कौन से स्टेज पर है यहाँ पर कुछ लीक नहीं होता, बस यहाँ पर ये पता चल जाता है कि AMD Ryzen 9 एक मिनी पीसीज में आपको देखने को मिलने वाला है, एंड जितना मिनी इसकी साइज है उतना लार्ज उसकी प्राइस है। यहाँ पर प्राइसिंग वगैरह कुछ डिस्क्लोज नहीं, ना डेट ना लॉन्चिंग वगैरह कुछ भी यहाँ पर हाईलाइट्स नहीं आते, बस यहाँ पर एक डिजाइन एंड कंसेप्ट यहाँ पर निकल के आता है, एंड एक्चुअल में प्रोसेसिंग सब कुछ स्टार्ट है, कहाँ तक ये डेवलप हो गया कुछ पता नहीं है, बट जल्दी आपको AMD Zen 3 आर्किटेक्चर्स की मिनी पीसीज आपकी पाम साइज में जरूर से जल्दी मिलने वाले हैं। तो ये था पूरा मिनी पीसी से रिलेटेड डिटेल्स। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है सुझाव, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं सारे सवाल के जवाब देता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।